क्या दिख रहा है? वो बिरयानी की दुकान है। और इधर क्या दिख रहा है? ये बिरयानी है। हमने आज ऑर्डर वहीं से किया, गाड़ी में दे गया, बिरयानी खाते हैं। और ये वेज बिरयानी है, नहीं चिकन बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी है। वेज ही खाएंगे भैया। दोस्तों दोपहर के 12 बज गए हैं और हम आ चुके हैं कानपुर कन्नौज दिल्ली रोड पर। कानपुर मैनपुरी कन्नौज, ये भी 4 लाइन 6 लाइन रोड है, ये देखिए। और इतना ज्यादा धूप है, इतना गर्मी है कि थक जा रहे हैं। मतलब बता रहे गाड़ी चलाने नहीं बनता, तो खाना तो एकदम बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तो ये तो एक ठंडा ले लिए, पीछे होटल है और वहाँ कूलर में पानी डालने के लिए रुके थे, पानी डाले और ठंडा लिए। अरे ठंडा पिएंगे, आराम करेंगे। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और हम आ चुके हैं, देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। दोस्तों आज मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन है और हम घर के लिए, सुबह के 10 बज गए हैं और हम आ चुके हैं घर पर अपने। और आप तो मेरे छोटू से मिले हुए, हेलो करो। तो आ गए हम घर। राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम उसी होटल पर खड़े हैं, आगरा से 10-15 किलोमीटर पहले। ये देखिए सामने उधर होटल है, गाड़ियां भी खड़ी है, अपना नेशनल हाईवे 2। तो आपको पता ही है रांची का अपना ट्रिप चल रहा है। तो चलिए यहाँ से अभी निकलते हैं, आगे चल के कहीं फिर चाय पियेंगे। और यहाँ फ्रेश होने का जगह भी नहीं है, आगे फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे, फिर अपना सफर कंटिन्यू रखेंगे। सुबह के 8 बज गए हैं और हम आ चुके हैं टुंडला, आगरा पार करके टुंडला टूल टैक्स है, वहीं पर आके खड़े फ्रेश हुए। और सामने देखिए क्या दिख रहा है, वो बिरयानी की दुकान है। और इधर क्या दिख रहा है? ये बिरयानी है। तो हमने आज ऑर्डर वहीं से किया, गाड़ी पे दे गया, बिरयानी खाते हैं। और ये वेज बिरयानी है, नहीं चिकन बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी है। वेज ही खाएंगे भैया। तो चलिए इसको खाते हैं, देखते कैसा बना है। देखने में छोटा सा लड़का है, वही बनाता है, उसी के पास ही खाते हैं हमेशा। बढ़िया यार, बढ़िया ही है, बढ़िया बना है। चलिए ठीक है, इसको खाते हैं, फिर यहाँ से सफर अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो जाना बहुत ज्यादा दूर है। दोस्तों दोपहर के 12 बज गए हैं और हम आ चुके हैं कानपुर कन्नौज दिल्ली रोड पर। कानपुर मैनपुरी कन्नौज, ये भी 4 लाइन 6 लाइन रोड है, ये देखिए। और इतना ज्यादा धूप है, इतना गर्मी है कि थक जा रहे हैं। मतलब बता रहे गाड़ी चलाने नहीं बन रहा, तो खाना तो एकदम बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तो ये तो एक ठंडा ले लिए, पीछे होटल है और वहाँ कूलर में पानी डालने के लिए रुके थे, तो पानी डाले और ठंडा लिए। अभी यही ठंडा पियेंगे, यहाँ आराम करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। तो गाड़ी ही नहीं चला पा रहे, इतना गर्मी लग रहा है, पूरा गर्म जलने लग रहा सब चीज। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ से फिर अपना जब सफर स्टार्ट करेंगे तो फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ से अपना घर कितना होगा, 400 तो होगा ही, 300-400 ऐसे। चलिए ठीक है, रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और हम आ चुके हैं, देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ से लखनऊ हमको चलना है। लखनऊ ज़्यादा होगा नहीं, 100 के ऊपर ही होगा। और वो जो अलीगढ़ कन्नौज रोड पे चल रहे थे, उस रोड को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम पकड़ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और एकदम बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे है। इस पे आपको एकदम मतलब इतना मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, पूछिए मत, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे है। और इस पे कोई किसी का अलाव नहीं है, मतलब पैदल जानवर ये सब नहीं, मस्त गाड़ियाँ चलती हैं एकदम। तो चलिए यहाँ से अब सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं, और हमको अभी यहाँ से घर भी जाना है, तो देखते हैं आज रात भर में तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं यहाँ से।
दोस्तों रात के 8:30 बज गए हैं और हम आ चुके हैं लखनऊ। ये लखनऊ जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे वो एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब 100 किलोमीटर हम यहाँ पे चल चुके हैं। ये सामने देखिए टोल टैक्स है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, और यहाँ से अभी चल के हमको फिर लखनऊ का रिंग रोड पकड़ना पड़ेगा क्योंकि लखनऊ तो नो एंट्री है, तो हम रिंग रोड पकड़ के फिर अपना लखनऊ बनारस रोड पे जाना होगा। बहुत घर जाते समय ना बहुत चक्कर पड़ता, इस रोड को पकड़ो उसको छोड़ो उसको पकड़ो, तो घूमते घूमते जाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, तो आपसे मिलते हैं रिंग रोड पे लखनऊ के। दोस्तों रात के 11 बज गए हैं और हम आ चुके हैं सुल्तानपुर, मतलब लखनऊ सुल्तानपुर रूट पे रिंग रोड से उतर के, और ये सुल्तानपुर का पहला टूल पड़ रहा है। यहाँ रुके हैं, अब यहाँ से अपना घर का ज़्यादा सफ़र बचा भी नहीं है, 150 किलोमीटर है। तो चल दोस्तों रात के 1 बज गए हैं और हम आ चुके हैं सुल्तानपुर में। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है, ये अपनी गाड़ी पीछे खड़ी है होटल पे, देखिए होटल है सामने इस गाड़ी के उधर। तो चलते हैं रोटी खाते हैं, रोटी खा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ज़्यादा अपना घर भी यहाँ से बचा नहीं है, 50 किलोमीटर है, और रात में तो घर नहीं जा सकते, वहीं होटल है सुनावा में, वहीं लगाएंगे, सुबह भाई आएगा तो जाएंगे। तो चलिए होटल पे देखते हैं, खाना खाते हैं। दोस्तों आ गए हैं इसी होटल पर रोटी खाने, यही होटल है सुल्तानपुर में, ये होटल पड़ता है, बहुत बढ़िया होटल है। देखिए हम आ गए होटल पे रोटी खाने, ऑर्डर किए थे दाल और रोटी, इधर सलाद भी है, चलिए खाते हैं। दोस्तों खाना भी खा लिए हैं, टाइम भी अपना 1:30 बज गया है, अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ गाड़ी लेके। और यहाँ से 50 किलोमीटर है, एक टूल टैक्स अभी और आएगा, उसके बाद ही मेरा घर गाँव के लिए रास्ता आ जाता है, तो गाड़ी तो होटल में ही लगाएंगे, गाड़ी लेके जाते नहीं, चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी तो रात के 3 बज गए हैं और हम आ चुके हैं सुनावा उसी होटल पर जहाँ गाड़ी हम लगा के घर जाएंगे। तो अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी तो घर जाने का कोई है नहीं प्रोग्राम, 6 बजे 7 बजे तक भाई आएगा लेने, तब जाएंगे यहाँ से। तो चलते हैं, तब तक सो भी लेते हैं थोड़ा देर। अभी ये देखिए गाड़ी होटल पर लगी है और सामने पेट्रोल पम्प भी है, तो चलिए यहाँ सोते हैं, यहाँ से फिर सुबह चलेंगे। राम राम दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन है और हम घर के लिए निकल गए हैं, भाई दुकान पर मिठाई ले रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं और हम आ चुके हैं घर पर अपने, और आप तो मेरे इन छोटू से मिले हुए थे ना, हेलो करो। हेलो। तो आ गए हम घर और इस ब्लॉग को यहीं पर, अब बाय कहने का समय भी आ गया है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरा घर का भी और सफर रांची का, आपको तो पता ही है रांची का भरा हुआ है, तो ये देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।